मर्गी मर्गी लोग ना ना पा गए लोक अन लकड़ तो तुम बने तुम बने वरी बदन पे ना बह वन समस्या सू करो टेकअप जंगल क्या पानी तुम गई ना आर्डर दी क्या गो लकड़ मेन मुद्दा दुम बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्राइवेटली अन इंसान शुक्र गुजार तुह वह नश अल्लाह ताला सन तरफ आफत अत आफत मह तुरा हमदर्दी पेश शुक्रिया तुह वनस योन वस ज्यादा मुश्किल जुक तरेंजमेंट यहाँ सर्दी मौसम ज्यादा तो अस ग जुक तरेंजमेंट बन बे अगर ये लकड़ तज यह तार तहमीर खातर पत्न सोच आब तो पत्न बन यम चीज और तारन कम चीजन गरेंजमेंट बन अज ये रोज यो पगह लगे ज्यादा अस टाइम क बाकी तुम शुक्र गुजार कि तु वश अलहमदिल्ला। जैसा कि दो हफ्ते कबल मलवाड़वन के इस गांव में आग की वारदात नमूदार हुई, जिसके बाद यहां कई मकानात खाकसर हुए, 50 के करीब कुंबे जो है मुतासिर हुए हैं। आप ये विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि कितनी यहां तबाही हुई है, बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं। हालांकि काफ़ी सारी एनजीओज जिसमें अबाबील अल हिलाल ये हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी कश्मीर की बहुत सारी एनजीओज ने शाइनिंग बलेसा और बहुत सारी एनजीओज ने लोगों के जो है वो मदद के लिए सामने आए, गजाई अजनास यहाँ जमा, बिस्तर कपड़े सब यहाँ पे आ गए। और आज हमने भी यहाँ आकर के जो मुतासरीन है उनसे मुलाकात की, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ अभी किन चीज़ों की कमी है जो हम इंतजामिया तक ये बात पहुँचा सकेंगे ताकि इन्हें और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि सरकार से जो उम्मीदें थी, सरकार उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी है। ये लोग भी एनजीओ के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मदद की है, और ये लोग इस वक्त अपने अयाल के साथ बेशक लोगों के घरों में बैठे हैं लेकिन कम से कम दो टाइम का खाना खा पा रहे हैं। सरकार से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर सरकार पूरा नहीं उतरी, लिहाजा हमारी भी सरकार से गुजारिश रहेगी कि एक स्पेशल पैकेज मुलवाड़वन के लिए दिया जाए ताकि इनके रिहायशी मकानात सरकार अपने खर्चे पर बनाए, क्योंकि पूरी उम्र की जमा पूंजी लगाकर एक इंसान मकान बनाता है और आनन फानन जब वो तबाह हो जाते हैं तो दोबारा से उन्हें मकान बनाना उनके लिए नामुमकिन है। सरकार एक स्पेशल पैकेज देते, और खासकर जो DDC हैं, चाहे वाड़वन के DDC या मड़वा के DDC है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस वक्त सियासत को एक तरफ रख करके
ये ना देखें हमें कहां से वोट मिले नहीं मिले, वो भी जो है अपना सारे का सारा फंड जो है इस तरफ डाइवर्ट करें ताकि लोगों के मकान पे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मौसमी शर्मा के पेश नजर इन लोगों ने अपने घरों में बालन जमा की थी ताकि सर्दियों में वो उसका इस्तेमाल कर सकें, वो भी इस आग की वारदात में जलकर राख हो गए। तो इसलिए महकमा जंगलात से ये लोग गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर इन्हें बालन लकड़ी जो है निकालने की इजाजत दी जाए ताकि आने वाले मौसम की पहली बर्फबारी से कबल ये लोग अपने घरों में बालन जमा कर सकें और अपना जो है वो सर्दियों में अपने आप को बचा सकें। उसके बाद मकानात की तामीर अगरचे मार्च के बाद ही मुमकिन है, लेकिन अगर मार्च के बाद ये लकड़ी जमा करना शुरू कर गए, मटेरियल जमा करना शुरू कर गए, तो एक साल उसी में लग जाएगा। लिहाजा इनकी ये भी गुजारिश है कि तामीर के लिए जो लकड़ी इन्हें जरूरत है वो भी अभी से सैंक्शन की जाए ताकि ये लोग लकड़ी जमा कर सकें, मटेरियल जमा कर सकें और जैसे ही मौसमी सर्मा खत्म हो ये मकानात तामीर कर सकते हैं। मेरी इंतजामिया से भी गुजारिश है कि स्पेशल पैकेज के लिए वो भी सरकार से सिफारिश करें और महकमा जंगलात जो है बालन के साथ साथ तामीराती लकड़ी भी इन लोगों को जो है वो अभी से सैंक्शन करें ताकि लोग उसे जमा करें और लकड़ी जो है वो फ्री ऑफ कास्ट इन लोगों को मिलनी चाहिए, बालन हो या तामीर के लकड़ी हो फ्री ऑफ कास्ट जरूरत के मुताबिक इन लोगों को दी जानी चाहिए।